हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीटेक कोर्स के लिए आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है, कुछ तो बताओ। सो, आप लोगों के लिए कभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी खुद से भी पता होगा, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने इस चीज़ को, कि अभी फ़िलहाल के डेट में, आज की डेट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है, ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करना है। सो, जो स्टूडेंट बीआर के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोड जिनका 131 है, दे हैव टू वेट टिल दी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी ऑनगोइंग है। तो अभी हमें कुछ भी इसमें अपडेट नहीं मिल सकती। 27 से लेके 5 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ है, और आज है 3 अगस्त, 4 और 5, 2 दिन अभी और भी हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जिस स्टूडेंट ने अभी तक 1200 रुपये का फी पेमेंट नहीं करा था, जो कि इनिशियली हमें पे करना होता है एट द टाइम ऑफ और अप्लाइंग ऑनलाइन ऑन आईपी यूनिवर्सिटी, उसके बाद हमारा जो होता है ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके लिए हमें 1000 रुपये पे करने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जेई मेन से पहले उन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा था 1200 रुपये वाला, तो उनको यहाँ पे टाइम दिया गया है, उसके बाद फिर वो बीटेक का जो फी पेमेंट है अपना कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का। तो टोटल 2200 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, और आप लोग अपने ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इससे पहले हमारे पास कोई भी अभी अपडेट नहीं है, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बेस्ट कॉलेज टू टारगेट एन आईपी यूनिवर्सिटी फॉर बीटेक प्रोग्राम, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम कितने रैंक तक एडमिशन होता है, और आप लोगों की प्रेफरेंस शीट क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। सो, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और बाकी आप बने रहिए मेरे साथ। एडमिशन आप लोगों को कन्फर्म मैं जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने ऑप्शन में आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ के अंदर। तो बीटेक एक ऐसा एडमिशन प्रोसेस है कि सभी कोर्स एक तरफ और बीटेक एक तरफ, क्योंकि इसके अंदर अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही क्राउड आता है, और बहुत सारे स्टूडेंट टफ फाइट करते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं, कुछ ही टॉप कॉलेजेस हैं। 5-8 तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग करने का, और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो, परेशान मत होइए, आई एम विद यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।